हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मेरा नाम है पीयूष कुमार। दोस्तों, YouTube हमें टाइम टाइम पे यानी कि समय समय पे नए नए फीचर्स हमारे चैनल पे ऐड करता रहता है, बस हमें उसे इनेबल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों की कि 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने के बाद, YouTube पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेने के बाद आपके चैनल पे किस तरह के फीचर्स ऐड होते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि 100 सब्सक्राइबर पे आपको क्या मिलने वाला है, किस तरह के फीचर्स मिलने वाले हैं, आप उसे कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा 100 सब्सक्राइबर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 3 महीने लग गए मुझे। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया सब्सक्राइब करने के लिए, बस वीडियो पे ही जो बोलता हूँ आप लोगों की सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो, तो बस इतना ही बोलता था मैं। किसी फ्रेंड से जबरदस्ती सब्सक्राइब नहीं करवाता था। मैंने खुद के मोबाइल में ही 3-4 अकाउंट बना रखा था, उससे ही अपने वीडियोज को वॉच करता था, और ज्यादा ज्यादा बस वही 4 या 5 चैनल है जिसे मैंने खुद से सब्सक्राइब किया है अपने ही मोबाइल से। बाकी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सारे के सारे जेन्युइन हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग भी जेन्युइन सब्सक्राइबर के पीछे ही जाएं, किसी को फोर्सफुली सब्सक्राइब मत करवाएं। इससे क्या होगा कि आपके चैनल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, आपका चैनल का ग्रोथ रुक सकता है। तो अभी तो 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बस आप लोग की मेहरबानी है, और आप लोग जितनी जल्दी और सब्सक्राइब करवाओगे तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स और ऐड होते हैं। तो 500 सब्सक्राइबर पे भी YouTube जो है हमारे चैनल पे बहुत सारे फीचर्स ऐड करते हैं, तो आप लोग जितनी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और 500 सब्सक्राइबर तक बढ़ा दें, ताकि मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बता सकूं आप लोगों को कि 500 सब्सक्राइबर पे किस तरह के फीचर्स आपके चैनल पे ऐड होते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे 100 सब्सक्राइबर पे किस तरह के फीचर ऐड होते हैं। तो मैं बता दूं कि कस्टम URL, जो URL आप लोग देखते हैं अपने चैनल का, बहुत ही लंबा बहुत ही बड़ा URL होता है, तो उस तरह की URL हटा के आप कस्टम URL खुद से अपना पर्सनल एक URL बना सकते हैं चैनल के नाम से। अगर आपका 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट है और आपके चैनल का YouTube पे मिनिमम 1 महीने से अबव हो चुका है, तो मेरा चैनल जो है 3 महीने से अबव हो चुका है, मेरा सब्सक्राइबर जो है वो 122 हो चुका है, तो मैं इस फीचर को अपने चैनल पे इनेबल अब कर सकता हूँ। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो आप, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपके पास पहुंचती रहे, उन सब का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू कर लेते हैं और मैं डिटेल में बताऊंगा किस तरह से आप कस्टम URL को इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कस्टम URL इनेबल करने के लिए आप लोगों को सिंपली अपने फोन के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख के फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आप कस्टम URL को इनेबल कर सकते हैं, अगर आपका 100 सब्सक्राइब आपके चैनल पे कंप्लीट है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर आपको ओपन कर लेने के बाद सिंपली वहां पे सर्च कर लेना है YT Studio। YT Studio सर्च कर लेने के बाद आप देख सकते हैं अभी YT Studio ओपन हो रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट यहां पे स्लो है मेरा। तो YT Studio जब ओपन हो जाएगा उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, क्या करना है, जिससे आप अपना कस्टम URL इनेबल कर सकते हैं। किस तरह का कस्टम URL होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको डैशबोर्ड में चले जाना है, जैसा आपके फोन पे ओपन होता है तो उस तरह का ये सेम इंटरफेस ऐसा ही आपके फोन पे भी ओपन हो जाएगा जब आप YT Studio को ओपन करोगे क्रोम ब्राउजर पे। उसके बाद सिंपली आपको चले जाना है 3 डॉट पे, ऊपर में कॉर्नर पे मिल जाएगा, 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो नीचे से सेकंड नंबर पे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है। सबसे पहले तो लेआउट आता है, ब्रांडिंग आता है, उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन आता है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है क्लिक करके। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे नीचे में देखोगे आप चैनल URL लिखा हुआ नजर आएगा। चैनल URL के नीचे में आप देखोगे तो लिखा हुआ है सेट ए कस्टम URL फॉर योर चैनल। तो ये तभी इनेबल होता है दोस्तों जब आपका 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और आपके चैनल का जो है टाइम वो 1 महीने से अबव हो जाए। तो यहाँ पे मेरा ये सब क्राइटेरिया कंप्लीट है, इसलिए मैं यहाँ पे कस्टम URL सेट कर सकता हूँ। तो इसे सेट करने के लिए सिंपली सेट ए कस्टम URL फॉर योर चैनल पे क्लिक कर देना है। फिलहाल आप देख रहे हैं मेरे चैनल का जो URL है बहुत ही लंबा सा, इतना बड़ा चैनल URL है www.youtube.com/UC9LungFun, ऐसा मतलब .. बहुत सारा, इतना लंबा चैनल URL है कि आपको याद भी नहीं रहेगा। तो कस्टम URL से बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत ही शॉर्ट URL मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे अभी कस्टम URL जो मिल रहा है www.youtube.com/c/piyushk. जो कि मेरे चैनल का नाम है। तो इतना छोटा चैनल URL है जिसे हम इजीली आसानी से याद कर सकते हैं। किसी भी फोन पे अगर इस URL को डायरेक्टली आप सर्च करोगे, आप इस जो मेरा चैनल URL आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इसी को भी आप सर्च करोगे तो डायरेक्टली मेरे चैनल पे जंप कर जाओगे। तो इस तरह का चैनल URL आप भी इनेबल कर सकते हो, बस यहाँ पे उसके बाद इसे सेट कर देना है। आप कस्टम खुद से भी URL बना सकते हो यहाँ पे,
ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे एडिट करने का, देख सकते हैं आप यहाँ से एडिट करके खुद से भी यूआरएल बना सकते हो। अगर यहाँ पे जो सजेशन में दिया जा रहा है आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे भी सेव कर सकते हो। तो सिंपली मुझे ये वाला जो यूआरएल है ये मेरे चैनल के लिए बहुत ही सुटेबल है, अच्छा है, तो मैं इसी को सेट कर देता हूँ। सिंपली इस पर क्लिक करना है, ऊपर में कॉर्नर में आपको पब्लिश का बटन मिलेगा, पब्लिश पे क्लिक करोगे, उसके बाद कंफर्म कर दोगे तो आपके चैनल का जो यूआरएल है वो चेंज हो जाएगा, उतना लंबा यूआरएल नहीं रहेगा। आपको www.youtube.com/c/piyushk. आपको सर्च करना है, आप डायरेक्टली अपने चैनल पे चले जाओगे। मैं सर्च करके दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे सर्च करके मैं देखता हूँ www.youtube.com/c/piyushk. तो मैंने अपने चैनल का यूआरएल यहाँ पे डाल दिया, उसे सर्च कर देता है। अब देखते हैं कि कहाँ पे किस जगह पे कौन से पेज पे जाके ये ओपन होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को दिख रहा होगा 122 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं। आप लोग को अगर सपोर्टिव रहोगे तो 500,000 सब्सक्राइबर भी बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, तो जल्दी से करवा दो यार 500 सब्सक्राइबर। उसके बाद मैं उसके लिए भी एक वीडियो लाऊंगा कि किस तरह के बेनिफिट्स हमारे चैनल पे मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपका 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट है तो आप भी इनेबल कर लेना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही आसानी से आप सर्च कर सकते हो अपने चैनल को कहीं भी किसी भी मोबाइल में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम।